सभी को राधे राधे। तो मैं आ पाचा हूँ भांडीर वन, जहाँ राधा कृष्ण का विवाह हुआ था। तो ये देखिए, ये विवाह स्थल है, और चलते हैं विवाह स्थल में और मिलते हैं पंडित जी से और इसकी जो कथा है वो जानते हैं। तो सभी कमेंट पे लिखिएगा राधे राधे, और यहाँ ज़रूर आइएगा, ये राधा कृष्ण की विवाह स्थल ही है। तो प्लीज़ यहाँ आइए और यहाँ राधा कृष्ण के दर्शन कीजिए। जो लोग कहते हैं कि राधा कृष्ण का विवाह नहीं हुआ था, उनको ये मैं बताना चाहता हूँ कि यहाँ सच में राधा कृष्ण का विवाह हुआ था, जो कि यहाँ पर इनका हस्त मिलन है। मेरे पीछे आप देख रहे होंगे, दो पेड़ ज्वाइंट है, तो ये राधा कृष्ण का हस्त मिलन है। और यहाँ राधा कृष्ण का विवाह कराया था श्री ब्रह्मा जी ने, और जिन्होंने तपस्या करी थी पुष्कर में, उसके बाद उन्होंने यहाँ राधा कृष्ण का विवाह कराया था, और जो कि योग माया जी के सानिध्य में हुआ था। तो चलते हैं अंदर राधा कृष्ण के विवाह स्थली पर और जानते हैं उनकी कथा। पंच बिहारी श्री हरिदास करके नंद बाबा के पीछे से बोले, बाबा तुम लाला को मुझे दे दी, क्योंकि तुम्हारे लाला को ठंडी लगी है, हवा चल ही रही है। तो नंद बाबा कहने, देवी आप कौन है, मैं नहीं जानता हूँ, आप शीघ्र सामने। तो राधा रानी सामने शीघ्र आ जाती हैं और दिव्य रूप राधा रानी स्वरूप बन करके और शीघ्र कहने लगी, बाबा मेरा नाम राधा राम, अब तो मुझे देखिए। तो नंद बाबा ने स्मरण हो गया, तो मैंने नंद बाबा से गर्गाचार्य जी से नामकरण के समय ये सुना था, तो आप राधा कृष्ण राधा रानी भगवान कृष्ण की आराधना शक्ति स्वरूप जो पत्नी रूप में इस प्रकार से जैसे ही नंद बाबा ने दिया है, तो राधा रानी लेकर के यहाँ से चली जाती है। नंद बाबा गायों पर चले जाते हैं, पीछे एकदम दिव्य स्वरूप होकर के दोनों एक रूप के हो गए, एक उम्र के होकर के यहाँ फिर गए। फिरते समय ब्रह्मा जी को आकाशवाणी हुई, ब्रह्मा जी स्वयं शीघ्र आ जाइए। तो ब्रह्मा जी उनकी आज्ञा दे, क्यों ब्रह्मा जी ने 60,000 वर्ष राधा रानी तपस्या दे हेतु यहाँ जो है पुष्कर में तपस्या की है, लेकिन तब भी उनको दर्शन प्राप्त नहीं हुआ। इस मनोरथ को लेकर ब्रह्मा जी शीघ्र यहाँ पे आए, उन्होंने भगवान राधा रानी की स्तुति करने लगे। तो भगवान जी प्रसन्न हो, उन्होंने कहा ब्रह्मा जी तुम जो मनोरथ लेकर के आए शीघ्र करिए। तो ब्रह्मा जी ने भगवान की आज्ञा से स्वयं अग्नि को प्रकट किया एवं वट वृक्ष को साक्षी किया और स्वयं साक्षी है, तो वैदिक रीति से विवाह की रस्म है जो पूरा किया है। ठाकुर जी ने राधा रानी का श्रृंगार किया और राधा रानी ठाकुर जी का श्रृंगार किया। आकाश से देवों ने पुष्प वर्षाओं की, देवियों ने, गोपियों ने, सहचरियों ने, राधा जी की जो सहचरी थी उन्होंने आकाश से ही, गौलोक से ही पुष्प जो है वर्षा की है, और स्वयं माला गूंथ करके शीघ्र माला इनको दे दी है, दोनों एक दूसरे को माला पहना। ठाकुर जी ने राधा रानी का श्रृंगार भी किया और राधा रानी ने ठाकुर जी का श्रृंगार किया, सिंदूर दान किया है। ये सारा कार्य करते हुए वही रूप में भगवान को नमस्कार, राधा रानी ने हंसी मुस्कराई और राधा रानी ठाकुर जी मुस्कराए, दोनों मुस्कराती हुई। इतनी देर में फिर वही रूप भगवान कृष्ण ने ले लिया है जो नंद बाबा ने गोदी में दी थी। तो राधा रानी जो यशोदा मैया को उसी रूप में दे करके फिर आई हैं, इस प्रकार से विवाह का कार्य यहाँ पर संपन्न हुआ है। ये यज्ञ सामने मंडप है, हवन यज्ञ मंडप, तो इस प्रकार से ये विवाह कार्य यहाँ संपन्न हुआ है। और इस पेड़ में जो है हस्त मिलन भी बना हुआ है एवं गठजोड़ भी बना हुआ है, और चोरी के 4 मंडप भी गड़े हुए हैं, और ये वट वृक्ष की 15 किलो पंचवर्षीय पंचकोश की यात्रा होती थी, पंचकोश में फैला हुआ था यानी 15 किलोमीटर। तो इस एरिए में 9 लाख गाय जो नंद बाबा तुलसी के नीचे बैठा करते थे, और जमुना जी इसकी शाखाएं इतनी लंबी लंबी थी, जमुना जी इसके नीचे को बैठी थी और ग्वाल बाल इसी पर ऊपर के आया जाया करते थे, और सुबह अपने साथ में भोजन लाया करते थे, दोपहर को यहाँ भोजन पीड़ा कौतुक करते थे, और सभी एक दूसरे के मुख से छिड़ा के खाते थे। इस प्रकार से विवाह वर्णन किया है, और ये प्रमाण है गर्ग संहिता ब्रह्म वैवर्त पुराण।
स्कंदपुरा, आदि बारापुरा, भोपाल चंपू, इस प्रकार के प्रमाण यहाँ पर विवाह का दिया। दाऊ जी ने तो लंबा सुबर किया है और बच्चा सुर मार करके सारे तीर्थों का इस बैणी कूप में बंसी से कूद करके टूटने वाला किया। सारे तीर्थ इसमें कुएं में आए हुए हैं, जो कि सोमवती माँ बच्चा को इसमें दूध की धार निकलती है। आज जिन औरतों के बच्चे नहीं होते होके मर जाते हैं, वो इसमें स्नान करती हैं और उनकी मन्नत ज्ञान पूरी होती है। कोई दोषी चढ़ता है उसका दूध दूर होता है। एवं भगवान ने सारे तीर्थों को यहाँ भंडारा दिया है, इस नाम से भंडीर बन पड़ा है, इसी से यहाँ का प्रसाद का मात्रा होता है। दुर्वासा मुनि ने तपस्या किया है यहाँ पर और राधा कृष्ण का मल्ल युद्ध योग भोगी भगवान राधा रानी ने भगवान कृष्ण को परास्त कर हरा दिया है। इस प्रकार से ये जगह हुई दावानल अग्नि पान किया, पांडी नाम के ऋषि को उन्होंने तपस्या किया। ये सभी लीलाओं के साथ में ही मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। राधा कृष्ण भगवान और ये हस्तमिला और ये हस्त मिला, ये ब्रह्मा जी का और दोनों जाकर के एक हो गए हैं। राधा से कृष्ण, कृष्ण से राधा। ये वही कुआं है जहाँ ठाकुर जी ने स्नान किया था और सारे तीर्थों को यहाँ बुलाकर यहाँ स्नान किया था। और यहाँ पर स्नान करने से और यहाँ का जल पीने से सभी पापों से मुक्ति मिलती है और सभी तीर्थों का पुण्य प्राप्त होता है। और सोमवती अमावस्या के दिन यहाँ पर इसमें एक दूध की धार निकलती है। अब मैं आपको ठाकुर जी के मुकुट के दर्शन कराऊँगा। ये देखिए, यह ठाकुर जी का मुकुट जो कि ठाकुर जी ने यहाँ स्नान करते वक्त उतारा था, ये वही मुकुट है ठाकुर जी का। इसके दर्शन कीजिए, ये ठाकुर जी का मोर मुकुट है।